पुंछ में कोरोना वायरस इन्फेक्शन में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिसमें किला मार्केट एक दुकानदार भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिला प्रशासन की ओर से यह निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी दुकानदार और दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के कोविड 19 के टेस्ट करवाए जाएं। आज उनके कोविड 19 के टेस्ट कर लिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से पूरी आवाम को बताना चाहता हूँ, सरकार की तरफ से कोई भी कदम या कोई भी पहल की जाए वो कभी गलत नहीं होती, वो आवाम की बेहतरी के लिए होती है। तो हमने पहले भी दो चार बार इन लोगों को रिक्वेस्ट की थी, वैन दो तीन बार यहाँ पर हेल्थ वाले भेजी के टेस्ट करवाओ, कुछ लोगों ने उस वक्त करवाई थे टेस्ट, लेकिन आज जिला इंतजामिया की तरफ से थोड़ा सख्त कदम उठाया गया। इसी यहाँ पर देख रहे हैं आपको, उधर भी एक लाइन लगी हुई है, इधर भी एक लाइन लगी हुई है, और इन लोगों के लगभग 100-150 से ज़्यादा नाम लिखे गए व्यापारियों के, उन साथ जो हेल्पर हैं उनके, तो आज का दिन भी कल का दिन भी 3 दिन इनके लिए रखे गए हैं। तो मैं कहता हूँ ये एक अच्छी पहल है और सभी लोगों को अपने टेस्ट करवाने चाहिए ताकि कोई किसी किस्म की दुश्वारी ना आए। परेड ग्राउंड में आज सैम्पलिंग शुरू हुई है और प्रशासन के अनुसार यहाँ पे डेली की 100 लोगों की सैम्पलिंग होगी और उसी कड़ी में आज यहाँ पे आप देख रहे दुकानदार भाई आए हुए हैं और वो अपना यहाँ पे टेस्ट करवा रहे हैं। कितने प्यार से वो अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वो अपना सारा सैंपल वगैरह दे रहे हैं। ऐसे ही डेली के 100 जो व्यापारी हैं वो पे यहाँ पे आएंगे और अपना सैंपल देंगे और हम प्रशासन के इस कदम के साथ शाना बिशाना करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।